जी आप जिक्र उस पैसे का जो आपका है लेकिन आपके काम का भी नहीं है, उसको आपको बदलना है और इसी के लिए आज दूसरा दिन है। बैंक्स के साथ साथ एटीएम के बाहर भी अगर जाएंगे तो लंबी लंबी कतारों में खड़े होना होगा। लोग सुबह से लाइन लगाकर खड़े हैं और अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। तस्वीरें आप देख भी रहे होंगे टेलीविजन स्क्रीन पर, इस तरह के हालात अभी बने हुए हैं। वैसे तो अरुण जेटली जो वित्त मंत्री हैं हमारे देश के, वो कह चुके हैं कि गुरुवार रात से ही एटीएम से कैश निकाला जा सकेगा, लेकिन राजधानी के कई इलाकों में एटीएम में या तो कैश नहीं था या फिर लोग वहां तक नहीं पहुंच सकते थे। कई किलोमीटर तक लोग जाकर पैसे निकालने के लिए लंबी लंबी लाइन में अब खड़े हुए हैं। और बैंकिंग सेक्टर के सामने सबसे बड़ी समस्या ये है कि रिकॉर्ड समय में 1.25 लाख बैंक शाखाओं और 2.25 लाख एटीएम को नकदी से कैसे भरा जाए। देश के हर बैंक ब्रांच में नई रकम 2 दिन के भीतर पहुंचाने में सबसे ज्यादा मुश्किलें आई हैं। दूरी की वजह से कई जगहों पर तो समय पर नकदी पहुंच ही नहीं पाई है, जबकि कई बैंक शाखाओं ने पास में जो नकदी है उसको कम बताया है। हालांकि इन तमाम चीजों के सामान्य होने में भी वक्त लगेगा, 4 से 5 दिन बाद हालात सामान्य हो पाए। तो ये स्थिति है अभी की, अगर वर्तमान स्थिति की हम बात करते हैं, क्योंकि 2 दिन तक एटीएम बंद रहे हैं। 3 तस्वीरें आपके सामने हैं, दिल्ली, मुंबई और गोवा। एक देश की राजधानी, दूसरी देश की आर्थिक राजधानी और तीसरी तस्वीर आप गोवा की देख रहे हैं। और हर जगहों पर कमोबेश ऐसी ही स्थिति है, लोग लंबी लंबी लाइनों में खड़े हुए हैं। और अब देखिए आप उत्तर प्रदेश के 5 शहर बनारस, फिरोजाबाद, नोएडा, लखनऊ और गोरखपुर, इसमें आप पूर्वांचल भी देख रहे हैं, इसमें आप सेंट्रल का इलाका भी देख रहे हैं। तो ये स्थिति तमाम जगहों की उत्तर प्रदेश में भी बनी हुई है। बैंक एटीएम्स के बाहर लंबी लंबी कतारें हैं, लोग परेशान हैं क्योंकि लोगों के 500 और 1000 के नोट अब मार्केट में चलने बंद हो गए हैं, इसलिए उन्हें 100-100 रुपए के नोटों की जरूरत है, जिसके लिए इकलौता विकल्प या तो एटीएम है या फिर बैंक है। और दोनों ही जगहों पर, बैंक, एटीएम, डाकघर, पोस्ट ऑफिस, तमाम जगहों पर ऐसी स्थिति नजर आ रही है। गरीब आदमी के लिए मुश्किल है, बड़ा लोग तो अपना घर में होगा तो खा लेगा, क्योंकि गरीब आदमी कल देखा कि बाहर में हर फोटो के लिए राशन नहीं मिल रहा, किसी को कुछ नहीं, कोई जाने के लिए बैठा है, किसी की लड़की की शादी है, किसी को कोई प्रॉब्लम है, दूसरा दवाई लेने जाना है, कोई पैसा तो ले नहीं रहा, तो इसके लिए वजह से सब लोग दुखी है। 11 बजे तक एटीएम में पैसा लगेगा, इसकी वजह से हमें बहुत दिक्कत हो रही है, जैसे किराया देने में बसों के लिए, मेट्रो के किराए के लिए, और घर पे भी दिक्कत हो रही है। अभी मेरे पास 4000 रुपए है, मैं एक्सचेंज के लिए आया हूँ, लेकिन यहाँ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 नवंबर को अहम फैसला लेते हुए भ्रष्टाचार और कालाधन के विरोध में देश के 1000 के नोट और 500 के नोट पूर्णतः बंद कर दिए। मैं इस समय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम पे खड़ा हुआ हूँ, पूरी तरह से लाइन लगी हुई है, जनता सुबह से ही 7 बजे से बैंकों के सामने, एटीएम के सामने लाइन में लगे हुए हैं। एटीएम के अंदर का नजारा दिखाना चाहेंगे, जिन लोगों को मौका मिला है आज एटीएम के अंदर से, जिनको शादी के लिए पैसे की जरूरत है, उनको पूरा पैसा नहीं मिल पा रहा है, लेकिन 2000 रुपए से वो घर का खर्चा चला सकते हैं। ये हमारे साथ वो लोग मौजूद हैं, उन लोगों को जो मौका मिला है एटीएम के अंदर 2000 रुपए निकालने का, ये पहले व्यक्ति हैं, सुबह से 7 बजे से लाइन में लगे हुए हैं, और एटीएम खुलने के बाद इनको पहला मौका दिया गया और अंदर जाने के बाद इन्होंने अपने खाते से 2000 रुपए निकाले। क्या नाम है आपका? बॉबी। बॉबी, सुबह कितनी बजे से लाइन में लगे? 7 बजे से। 7 बजे से आप पहला, कितनी खुशी, आप खर्चा चला सकेंगे? मोदी के फैसले की बात करें तो मोदी जी ने फैसला किया है भ्रष्टाचार, बहुत बढ़िया फैसला करा, लेकिन आपको जो परेशानी हो रही है? थोड़ी बहुत परेशानी तो झेलनी पड़ती है इंसान को, और जो परेशानी झेलनी, सही झेलिए इंसान, बहुत बढ़िया काम करा करते हैं मोदी जी के फैसले, मोदी जी का। आप परेशानी को झेलने के लिए तैयार हैं साहब? और भी अंदर का नजारा दिखाना चाहेंगे हम आपको, लोग अंदर एटीएम के अंदर भी पैसा निकाल रहे हैं, उनसे जानना चाहेंगे, लगातार लोग लाइन में लगे हुए हैं एटीएम के अंदर, इनसे जानना चाहेंगे, आपसे जानना चाहेंगे, आपको मौका मिला है सुबह 7 बजे से लाइन में लगे एटीएम? सुबह 7 बजे से इस लाइन में लगे हुए हैं हम लोग हैं जी। अब जा करके 10 बजे हमारा नंबर आया, जब हमने ये 2000 रुपए विड्रॉ कर रहे हैं जी। और विड्रॉ करने में बहुत परेशानियां हो रही हैं। और भी दिखाना चाहेंगे एटीएम के बाहर का नजारा, कैमरा मैन से दिखाना चाहूंगा, एटीएम के बाहर का नजारा दिखाएं। सुबह 7 बजे से लाइन लगी हुई है, लोग अपना इंतजार कर रहे हैं कि अपना खाते से वो 2000 विड्रॉ कर सके। लगातार 3 दिन से जीवन यापन करने के लिए लोगों के सामने एक संकट खड़ा हो गया था, उनके पास करेंसी नहीं थी कि घर का सामान वो खरीद सके, और 2 दिन से लगातार बैंकों के बाहर लोग सुबह 7 बजे से ही लाइन में लगे हुए हैं, लेकिन आज कहीं ना कहीं जब एटीएम खुले हैं तो आम जनता को बेहद राहत मिलेगी। समाचार प्लस के लिए आगरा से शिव चौहान।
तो तीन सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए हैं। दिल्ली से मेरे साथ संतोष यादव है, देहरादून से अजीत काम्बोज है और संकेत मिश्रा लखनऊ से है। सबसे पहले संतोष यादव आपके आपके पास हम आएंगे। एक सवाल ये बहुत महत्वपूर्ण मेरे दिमाग में है क्योंकि कल बहुत सारे लोगों से बात हुई और उनमें से तकरीबन 30% लोग 30% लोग ऐसे थे जिनका कहना यह था कि खाली थे, कुछ काम नहीं था तो सोचा एंटरटेनमेंट हो जाएगा तो बैंक ही चले गए। लंबी लाइनों में खड़े होना भी सुखद रहा क्योंकि देखने को मिला कि किस तरह का माहौल है। तो जेन्युइन परेशानियों को लेकर लोग जेन्युइन समस्या को लेकर एटीएम बूथ तक पहुंच रहा है, बैंक तक पहुंच रहा है, या फिर इस तरह के लोगों की भी तादाद बहुतायत में है? देखिए, आज वाकई समस्या जो है गरिमा वो बहुत ज्यादा व्यापक हो चुकी है क्योंकि कैश लोगों के पास खत्म हो चुका है। आगरा में जैसे हमारे सहयोगी दिखा रहे थे, वहां के लोग थोड़े से खुशकिस्मत निकले कि वहां कम से कम एटीएम काम तो कर रहा है। मैं यहां की भीड़ आपको दिखाऊंगा लेकिन उससे पहले एटीएम का नजारा दिखाऊंगा। मैं दिल्ली के गोल मार्केट इलाके में खड़ा हूं। ये सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का एटीएम है, एटीएम का बोर्ड लगा हुआ है लेकिन जो शटर है वो पूरी तरह से गिरा हुआ है और इस पूरे लेन में 6 बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, इसके अलावा एचडीएफसी बैंक, 6 बैंक है और उन 6 बैंक का जो एटीएम है वो एटीएम मशीन काम नहीं कर रहा है। नतीजा बैंकों के आगे लंबी लंबी कतार लगी है। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि वो आपको लाइन भी दिखाए। ये जो लाइन लगी हुई है वो अपने पुराने नोट एक्सचेंज करने के लिए है, ये जो लाइन लगी हुई है अपने पुराने नोटों को अपने खाते में अपने अकाउंट में जमा करने के लिए। लेकिन कैश इनफ्लो की जो दिक्कत है गरिमा वो अभी भी बैंकों में आ रही है। जिस बैंक में मैं खड़ा हूं यहां पे एक ही लाइन लगी हुई थी, इसी से लोग अंदर जा रहे थे नोट एक्सचेंज करने के लिए और इसी से लोग जा रहे थे नोट जमा करने के लिए। लेकिन अचानक ब्रांच से अंदर से एक महिला अधिकारी आती है और वो कहती है कि कैश खत्म हो गया है, कैश अब आधे घंटे बाद आएगा और अब सिर्फ अंदर वही जा सकते हैं जिनको पैसा जमा कराना है। तो ये कैश की जो दिक्कत है वो लगातार आ रही है। सिर्फ यही नहीं, दिल्ली के कई अन्य ब्रांचों में भी कैश खत्म हो गया और यहाँ जो लंबी लाइन लगी हुई है उन लोगों की जो नोट एक्सचेंज करने के लिए आए हुए उन लोगों से हम बात करेंगे, उन महिलाओं से भी हम बात करेंगे कि किस तरह से इतने कितने बजे से आप सुबह से लाइन में लगी हुई है? 10 बजे से लगे हुए। और क्या करने के लिए आप आई थी? सिर्फ एक्सचेंज करने के लिए आया। तो जब आप लाइन में लगी थी तब कहाँ आपका नंबर था, सबसे अंत में? हाँ जी, सबसे अंत में ही था ऑब्वियसली। अब इतना आगे आने के बाद अचानक कहा जा रहा है कि कैश खत्म हो गया, अब एक्सचेंज नहीं हो सकता? देखिए, इतनी बड़ी कोई मेरे को बात नहीं लगती ऑनेस्टली। हो गया खत्म, ऑब्वियसली खत्म ही होगा, कैश ही तो है, खत्म होगा। इतने सारे लोग हैं, इंडिया की जनता आप जानते हैं कितनी सारी है, तो अगर हम बार बार ऐसी बिहेव करते रहेंगे कि ओ माय गॉड खत्म हो चुका है तो अब हम क्या करेंगे, तो इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। इतने दिन तक खुला हुआ है बैंक, आप आ सकते हो और लेके जा सकते हो। कतारें हमेशा हर जगह लगती है, हिंदुस्तानियों को पैदाइशी आदत है इसकी। अच्छी आदत है। क्या वाकई आपसे बात करेंगे, क्या वाकई कैश की दिक्कत है, इतने सारे लोग लाइन में लगे हैं या वैसे ही आ रहे हैं देखने के लिए कि चलो हम भी चल के अनुभव लेते हैं कैसा है? कोई नहीं आया, कैश के लिए आए हैं सारे, एक्सचेंज के लिए और जमा करने वाले। आप एक्सचेंज करने आए, जमा करने? एक्सचेंज करने, ये एक्सचेंज करने के लिए आए हुए हैं। और जैसा कि अभी लड़की बता रही थी कि नहीं ठीक है, लाइन तो लगती ही है और हमें आदत है और थोड़ा सा हमें जो है वो एडजस्ट भी करना चाहिए। एक बार और बहुत सारे लोग हैं, उनसे बात करेंगे। लौटूंगी मैं आपके पास, तो पेशेंस रखना होगा, धैर्य रखना होगा। ये एक मैसेज नजर आया यहाँ से। अजीत काम्बोज भी देहरादून से जुड़े हुए हैं। अजीत, वहां पर किस तरह की स्थिति? बिल्कुल गरिमा, अगर राजधानी देहरादून की बात की जाए तो हम इस वक्त मुख्य डाकघर में मौजूद हैं जहां पर 3 काउंटर खोले गए हैं करेंसी एक्सचेंज को लेकर। पैसों की अगर बात की जाए, हालांकि अभी तक कोई किल्लत ऐसी देखने को नहीं मिली है, लेकिन अब धीरे धीरे जैसे जैसे ट्रांजेक्शन बढ़ रही है तो किल्लत बढ़ सकती है क्योंकि सीनियर पोस्ट मास्टर से हमने बात की है तो उन्होंने कल लगभग 50 लाख के लगभग यहाँ पर अमाउंट मंगाया था, जो कल से लगातार बढ़ रहा है, जो भी ग्राहक उनके पास पहुंच रहे हैं। और अब जो कल का बकाया पैसा था वही अभी भी डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, नई करेंसी को लेकर भेजा गया है स्टेट बैंक ऑफ के पास कर्मचारियों को, वहां से जब तक पैसा आता है उसके बाद ही डिस्ट्रीब्यूशन शुरू होगा। लेकिन अभी की जो हालात है वो कल का जो बकाया अमाउंट है इनके पास पोस्ट मास्टर के पास वही डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। लेकिन भीड़ की अगर बात की जाए तो भीड़ यहां पर भी काफी संख्या में, 3 काउंटर खोले गए हैं जिसमें सीनियर सिटीजन और महिलाओं के लिए अलग से व्यवस्था की गई है। इसके अलावा जो 3 अन्य जो काउंटर है उसमें कॉमन काउंटर रखा गया है जिसमें कोई भी लाइन में लगकर पैसा कलेक्ट कर सकता है। अतिरिक्त व्यवस्था की अगर बात की जाए तो अभी ऐसी कोई पैनिक वाली स्थिति नहीं है पोस्ट ऑफिस में, लेकिन दिक्कतें बढ़ सकती है अगर पैसा नहीं आता है जल्दी। अगर नहीं आता, ये 50 लाख के अमाउंट के खत्म होने तक अगर अगली करेंसी, अगला अमाउंट नहीं आता है तो थोड़ा सा पैनिक हो सकता है। लेकिन अभी जैसा आप बता रहे हैं तो स्थिति सामान्य है और हालात उस तरीके के नहीं है कि उन्हें अफरा तफरी के माहौल के तौर पर देखा जा सके। संकेत मिश्रा भी हमारे साथ है। संकेत, लखनऊ का भी जरा हाल बता दें दर्शकों को, वहां पर क्या स्थिति? देखिए, जिस तरह से बैंक अफसरों ने दावा किया था कि
देर रात से ही बैंक के खुल एटीएम खुल जाएंगे, लेकिन हालात लखनऊ के ये रहे कि सुबह लोग 7 बजे से लाइन में लगे रहे, लेकिन 10:30 बजे तक एटीएम ही नहीं खुले। अभी हम खड़े हैं स्टेट बैंक जो कि मुख्य ब्रांच है उसके पास में, यहाँ पे 10:30 बजे एटीएम खोले गए हैं, हमारे कैमरामैन साथी दिखाएंगे, और लोग किस तरह से लाइन में लगे हुए हैं। यहाँ पे 2 ATM है इस स्टेट बैंक की शाखा में, 2 ATM है और लोग लाइन में पूरी तरह से लगे हुए हैं। और यहाँ पे जो सबसे खास चीज है कि 2000 रुपए का नोट नहीं निकल रहा है, सिर्फ 100-100 रुपए का नोट निकल रहा है, और जो 2000 रुपए का नोट नहीं निकल रहा है। हम यहाँ पे बात करते हैं लोगों से, जो आप कितने किस समय से लगे हैं यहाँ पे लाइन में? तो काफी देर हो गई है, पहले अंदर गए थे, यहाँ पे गेट बंद था, अभी हम फिर लौट के आए तो देखा खुला है, तो लाइन में लगे हैं। आप कितने देर से लगे? अभी मैं आधे घंटे से यहाँ पे लगा हुआ हूँ। दिक्कतें आ रही है किसी तरह की? दिक्कतें तो हैं, बट यहाँ पे अभी काफी पब्लिक है यहाँ पे। इस एटीएम के अलावा आप किसी एटीएम में गए हैं शहर के? तो सुबह से 3-4 ATM में गया, 3-4 ATM में गए। अभी कोई ATM नहीं चालू है, केवल मेन ब्रांच का यही ATM चालू है। तो ये बता रहे हैं, इनका साफ कहना है लोगों का कि शहर के दूसरे भी ATM में गए हैं, लेकिन वो ATM अभी शुरू नहीं किए गए हैं, ये ATM जरूर खुल गया है। अभी कुछ देर पहले हम बात कर रहे थे, जो यहाँ पे लोग आए थे वो लखनऊ के एक छोर से दूसरी जगह हजरतगंज जहाँ पे हम खड़े हैं। इस तरह की स्थितियां संकेत हैं, लेकिन लोग ये भी कह रहे हैं कि ये शुरुआती दिक्कतें हैं, सामान्य हो जाएंगे धीरे धीरे हालात, और अगर एक दूरगामी सकारात्मक परिणाम की हम अपेक्षा रखते हैं तो ये छोटी छोटी दिक्कतें झेलने के लिए हमें तैयार रहना होगा। इस तरह का मैसेज भी लोग दे रहे हैं। मेरे तमाम सहयोगियों का, संतोष आपका शुक्रिया, अजीत आपका शुक्रिया, और संकेत आपका भी शुक्रिया। लौटते रहेंगे आपके पास।